छह महीना हो गए अपने पिया की सूरत नहीं देखी है और आप कह रहे हो बेटा हो जाएगा, कैसे होगा? आप बताओ कहीं बिना पति के औलाद हो सकती है? अपने पति का चेहरा देखा नहीं है, सौत ने उसे अपना बना लिया है, अब बिना पति के बेटा कैसे हो जाएगा? और आप कह रहे हो कि एक साल का धैर्य रख। नारद कहने लगे बिटिया, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र संतोष सबसे बड़ा धन होता है। गौ धन गज धन बाज धन और रतनी धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल क्षमा। जब संतोष धन आवे आता है तो समझ लो सब धन धूल के क्षमा। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे बेटी, अगर एक साल बाद तेरे बेटा ना हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, तू आना और एक साल बाद आके मर जाइए, पर आज मत मर। और कहने लगे ब्रह्मा पुत्र नारद, अरे घबराए मत राजकुमारी, साल और से मर करके तू नरक में जावे। बिटिया तेरो सुखो बाबी हरियाए जाए गो घर को लौट जाइए, तेरो सुखो बाब हरियाए जाए गो घर को चली जाइए। सच कह रहा हूं तेरे ऐसा बेटा होगा, जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम चलेगा। जब तक जग में चांद सितारे, तेरे बेटा को नाम ऐसे छाए जाए गो घर।
राजा को धीरज हो जाता है और राजा आज बाबा नारद की बात पे विश्वास करके वो घर को वापस आ जाती है। मेरे भैया आज फिर से रहने लगती है। इधर राजा उत्तान पाद ने कहा कि आज हम शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए। एक हिरन के पीछे पड़ जाते हैं। वो हिरन हाथ नहीं आया। जो सात नौजवान गए थे वो वापस लौट के आ गए। सुरची से कहा कि महारानी आपके राजा तो बहुत आगे निकल गए। जवाब दिया कोई बात नहीं, मेरे पति बलवान हैं उनका कुछ नहीं होगा। रानी निश्चिंत होके सो जाती। इधर राजा उत्तान पाद आए। मेरे भैया इधर तो वो सो रही है और इधर राजा उसे आवाज दे रहा है किवाड़े खोलो। आहा किवाड़े खोलो। लेकिन वो भैया का वो तो धरी धरी सुशियाए। राजा को कहना है अरे सुखनी सो गई जाती रानी। कहने लगा किवाड़े खोलो। अरे मैं कह रहा हूं किवाड़े खोलो नहीं सुनी। अरे सुखनींद सो गई जाती रानी और राजा की सुनी नहीं जाने बानी। इधर राजा आवाज दे रहा है अरे ओ नादर किवाड़े खोल। अरे पागल क्या नशा करके सोई है किवाड़े खोल। लेकिन भैया उसी समय राजा रुक जाता है। अब इसे आवाज नहीं दूंगा। आज राजा को अपनी पहले वाली पत्नी की याद आ जाती है। अरे चाहे तरफ जाता है कि चलो आज उसके पास जाते हैं जिससे आज एक साल हो गई देखा तक नहीं है। कुंडी खटखटाई बोले रानी किवाड़े खोलो। रानी तो जग रही थी बोट के तो तभी बैठ गई थी लेकिन मन में सोचने लगी कि मेरे पिया आए लेकिन कुछ ना कुछ धोखा करेंगे। वो मन में सोचती है में लाग सोच भाई पे होश के मन में मतो बिचारो। हाय मोय मार विकाजे सोतने के सैया मेरो पटायो। सोचने लगी मुझे लगता है कि आज मेरे पिया मुझे मारने को आए। अरे सजन पठायो टंट पठायो नाच पठायो सजन पठायो। मोय मार बेटाजी सौतने के सैया मेरो पठायो। मेरे भैया सोच लगी है नागिन पीछा नहीं छोड़ेगी। राजा कहने लगा अरे किवाड़े खोल बड़ी मुश्किल से तो आज समय मिल पाया है। वो सो रही है तब मैं तेरे पास आया हूँ। सोई उठ के आकर के किवाड़ खोल दिए। आज अपने पिया को छाती से लगा लिया। कहा नाथ आज जब गरीबन की याद कैसे आ गई। आपने तो उस छोटी रानी के
प्यार में आप इतने अंधे हो गए, आपने कभी हमारे तरफ मुड़ के ही नहीं देखा ना। मेरे प्यारे भक्तों, राजा रानी फपक फपक के रोती है अपने पिया के गले से। राजा कहता है, रानी मैं मजबूर हूं। मेरे प्यारे भक्तों, राजा कहता है, दिल तो मेरा भी नहीं चाहता कि तुझे अलग करूं, लेकिन मजबूरी है। पहले करीब था, राजा बोला, पहले करीब था, अरे अब दूरियां भी हैं। पहले करीब था, अरे अब दूरियां भी हैं। प्रवीण के नसीब में मजबूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। ए भैया, कहने लगा उड़ानी, मजबूर हूं। उसी समय राजा कहने लगा, अरे खाने पीने की भी पूछेगी, ऐसी खड़ी रहेगी। रानी कहने लगी, पिया मेरे पास क्या है? एक शेर जो का आटा मिलता है ना, सब्जी कुछ मिलती नहीं है, रूह का वही खाती हूँ, भला मेरे पास क्या है जो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ? महाराज भाई आधी रोटी रखी थी, रानी ने उसी को अपने पिया को खिलाया, और आज राजा उस रानी के साथ रात बिताता है, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी रात वो रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मेरे